शिष्य सोच नहीं सकता कि गुरुजी हमारा कितना हित कर सकते हैं, कितना हित चाहते हैं। चले होते बोंदू, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ये कर दो। कभी कभार थोड़ा बहुत गुरुजी ने संकल्प दिया हो गया, लेकिन फिर गुरुजी वो छीन भी लेते कि इसमें रुका न रहे। अब नारायण है ना, अब शरीर का तो बेटा है, सेवा भी किया है, थोड़ा बहुत आज्ञा भी मानता है, लेकिन कहीं आश्रम में प्रोग्राम दे देता है। अब मेरे से पूछवाते, मैं कहा नहीं करने देना, प्रोग्राम कैंसिल कर दो, मत करना। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो समिति सस्पेंड हो जाएगी, तो समिति नारायण के सामने खड़ी हो जाती है, हम नहीं करने देंगे। तो बाहर से कई बार ऐसा व्यवहार लगता होगा कि नारायण और बापू यूं है यूं, लेकिन मैं नारायण का यूं क्या, सांप का भी यूं नहीं हूं, तो नारायण का यूं क्यों रहूंगा। आप समझ रहे हैं ना, मैं सांप को भी अपना आत्मस्वरूप मान के उठाता हूं प्यार से, तो नारायण से दुश्मनी क्यों करूंगा। वो कोई लोफर नहीं है, जुआरी नहीं है। और इसमें सच्चाई का गुण भी है, अभी नहीं है तो बोल रहा हूं, होगा तो फिर मैं कुछ दूसरे बोलूंगा। मैं एकदम ऐसा व्यवहार करूंगा, करता हूं कि दूसरों को लगेगा कि, लेकिन मैं उनका कितना हितेश हूं वो उनके बाप को भी पता नहीं। उनके दादाओं को भी पता नहीं, नानाओं को भी पता नहीं।